जहां दाव पेच में व्यक्ति एक बार में चित हो जाता है, जहां अपने आप को फिट रखना सबसे बड़ी चुनौती, जहां धूल और सामने प्रतिद्वंदी उससे लड़ने और जीतने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता और फुर्ती आपको बचाती है, आपकी पकड़ उसे चित करती है और आपको बनाती है महारथी, पहलवान। ऐसी कुश्ती समान जिंदगी में उठा पटक चलती रहती है, जो अपने दाव पेच और अपनी एकाग्रता और अपनी विषम परिस्थितियों में उसको चित करता है, वही बनता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप का डायमंड लीडर, मिस्टर सत्यपाल पहलवान। संपत सिंह जो खेती करते और अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती दरियाए देवी के साथ अपने 6 बच्चों के साथ गांव तोहियापुर भरतपुर में रहते, इन्हीं के आंगन में 8/5/1972 को जन्म हुआ इनकी 5वीं संतान। लगा तो 9 और 12वीं क्लास तक मास्टर आदित्येंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय से करने के दौरान अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच सीखे। अब उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा पढ़ाई में जाता तो दूसरा अखाड़े में। राजस्थान राज्य और पहलवान शरीफ, तो मात्र 19 साल की उम्र में माता पिता ने शादी के बंधन में बांध दिया, आयशी देवी पत्नी बनी 21 जून 1991 में और सत्यपाल की जिंदगी में आ गई। पत्नी ने सत्यपाल की दुनिया को संवारना शुरू किया। पत्नी किस्मत साथ लाई, 4/4/1993 में राजस्थान पुलिस में पहलवान सत्यपाल का चयन हो गया। अब नौकरी थी और था पत्नी का साथ, बेटी सरिता के पिता बने, उनकी मुस्कान ने पिता के चेहरे पर खुशियां फैलाई और बेटे प्रमोद ने सत्यपाल को अपना बचपन याद दिलाया। अब सब खुशियां ही खुशियां थी, पर पुराने हालात याद आते तो सत्यपाल का मन विचलित हो जाता, पर सरकारी नौकरी है ये सोच निश्चिंत रहते। समय गुजरा,
अपने शरीर पर ध्यान देने वाले सत्यपाल की मुलाकात धर्मवीर सर से हुई, जो उसी जिम के मालिक थे। तो बातों बातों में उन्होंने एक फंक्शन में आमंत्रित किया और वहां सेफ शॉप का प्लान देखा, परंतु सत्यपाल सहमत नहीं थे, वापस घर आ गए। धर्मवीर सर सत्यपाल और उनकी पत्नी को फिर से प्लान दिखाया। पत्नी ने साड़ी की बात कह सत्यपाल को सेफ शॉप ज्वाइन करने के लिए कहा। अब सत्यपाल ने सेफ शॉप को ज्वाइन करना शुरू किया, धीरे धीरे उसको समझे। सेफ शॉप की विशेषता और उसका विजन पता चला तो लोगों से मिलना और उन्हें समझाना शुरू किया, पर लोग मजाक उड़ाते और पागल कहते। पल जो ठहरा है ले के सहरा सत्यपाल ने धर्मवीर सर से बात की, उन्होंने ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। सत्यपाल सर ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। सतेंद्र सर की कोर ट्रेनिंग में ये समझा कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। अब समय भी चुनौती था, तो सत्यपाल ने नौकरी के बाद परिवार को समय ना दे अपने सेफ शॉप को समय देना शुरू किया। धीरे धीरे टीम बनी और उसने रूप लेना शुरू किया। टीम टारगेट अचीव कर रही थी। इधर 2018 में बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। इसी व्यस्तता के बावजूद वो अपनी टीम का साथ देते और यही टीम आज उन्हें बना रही है डायमंड लीडर। सेफ शॉप के डायमंड लीडर मिस्टर सत्यपाल पहलवान। लोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भोजस अनुपम सुख प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाते हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाते धरती अंबर वावे है धर 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 Royal,
मिले।